I just took her top off in the Lambo. She gon' give me top up in the Lambo. Assalamu alaikum, mera naam hai Hassan and welcome to Macast Paint. आज हमारे पास आई है 150 Sherard 85 की मॉडल है। बाज़ार आप देख सकते हैं गाड़ी पे रस्टेड है, लेकिन जिस तरीके की शरार्ड काफ़ी पुराना मॉडल है होती है उससे बेहतर थी, बेहतर कंडीशन में थी। पिलर्स इसके जेन्यन थे, छत एंड डिग्गी इसकी काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी, लेकिन नीचे से रस्टेड थी काफ़ी। इसके फेंडर्स, इसके नीचे के चार दरवाजे, पीछे की मडगार्ड। वीडियो को एंड तक देखिएगा कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इसके एंड रिजल्ट भी अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी फुटपाथ काफ़ी रस्टेड हो चुकी थी, और इससे पहले जो फुटपाथ लगाई गई थी इसके ऊपर डेंटर की तरफ से, वो इसके जोड़ जो हैं, जो जनमन जोड़ होते हैं, वहाँ से नहीं लगाई गई थी। फुटपाथ के ऊपर फुटपाथ वेल्ड कर दी गई थी। जैसे आप देख सकते हैं इसका जनमन जोड़ है, इसके ऊपर ही फुटपाथ वेल्ड कर दी गई थी। अब हमारी कोशिश ये होगी कि इसकी फुटपाथ बिल्कुल काट के जनमन तरीके से जोड़ के ऊपर लगाई जाए, जोड़ के ऊपर सीलिंग भरी जाए जिसको डोरी कहते हैं, ताकि इसका जो शेप है वो भी जनवन आ जाए और पायदारी इसके अंदर आ जाए। इस गाड़ी के नीचे के पैनल काफ़ी रस्टेड थे, तो हमने ये सोचा था कि इसके पैचिंग वर्क करके ऊपर के जो पैनल हैं उसको रिपेयर कर दिया जाएगा, लेकिन जब हमने काम स्टार्ट किया इसके ऊपर तो हमें आइडिया हुआ कि ऊपर के जो पैनल हैं वो भी काफ़ी खस्ता हालत में हैं। तो हमने कस्टमर से मशा कि इसको हम जो लोकल पैनल आते हैं उसके वो रिप्लेस कर देते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने इसको पैचिंग वर्क कर दिया था, लेकिन जब हमने ऊपर का चेक किया तो काफ़ी जो है वो गाड़ी उसके दरवाज़ों के अंदर और मडगार्डों के अंदर काफ़ी पॉलीगेट था। पॉलीगेट ज़्यादा होने की वजह से फिर हमने इसके पैनल जो है वो रिप्लेस किए। रिप्लेस करने के बाद हमने जो है वो रिप्लेस करने से पहले इसके अंदर प्राइमर कर दिया था ताकि इसकी लाइफ अच्छी हो जाए। इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल जान नहीं फेंडर्स के अंदर, तो हमने इस वजह से फेंडर्स के दगले दोनों और बैक फेंडर हाफ आते हैं इसके, वो भी हमने इसके चेंज कर दिए थे। बहुत से लोग समझते हैं कि हम पैनल चेंज कर देंगे तो बस पैनल लगेगा और पेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये लोकल पैनल होते हैं, इसके अंदर काफ़ी डेंट्स होते हैं और ये आउट ऑफ शेप होते हैं, तो हमें इसको शेप में लाने के लिए इसको प्रॉपर डेंट करना पड़ता है। मेक श्योर करें कि आपकी गाड़ी पर जब डेंटर डेंट कर रहा है पैनल के ऊपर तो 90% डेंट्स इसका शेप में आए, पॉलीगेट से ना आए, क्योंकि होता ये है कि डेंटर जो है 50% डेंट करता है, 50% जो है पॉलीगेट भर दी जाती है, जिससे पैनल की लाइफ जो है वो कम हो जाती है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से इसको बिल्कुल फिनिश कर दिया गया है ताकि इसके अंदर कम से कम पॉलीगेट आए, बिल्कुल कम से कम पॉलीगेट आएगा पैनल की लाइफ जो है वो। और आप ये मेक श्योर ज़रूर करें, अगर आप अपनी गाड़ी घर पे रखना चाहते हैं, लाइफ उसकी अगर अच्छी चाहते हैं, तो उसके अंदर जो है वो दो किस्म की पॉलीगेट आती है। एक पॉलीगेट आती है ग्लोसर ग्लासो, लोकल पॉलीगेट होती है जो कि 99% यहाँ पर वही यूज़ की जाती है क्योंकि वो सस्ती होती है। इसमें आप देख सकते हैं ग्लोसर। एक इसके राइट साइड पर नेक्सा ऑटो कलर वालों की, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है लेकिन ये हीट प्रूफ होती है, ये फटती जल्दी नहीं, इसमें क्रैक जल्दी नहीं आते। तो अगर आप अपनी गाड़ी घर पर रख रहे हैं तो आप इसमें नेक्सा यूज़ करें, एक्सपेंसिव है लेकिन आपकी गाड़ी की लाइफ जो है वो बढ़ाएगी। तो हम अपनी गाड़ियों पे जो गाड़ियाँ रिस्टोर होने की होती हैं, जो घर पर रखने की होती हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा चाहिए होती है कस्टमर्स को, तो हम यही नेक्सा की पॉलीगेट यूज़ करते हैं क्योंकि यही बेस है आपकी पेंट की, बेस आपकी यही। अगर आपकी पॉलीगेट अच्छी होगी तो आपके पेंट का रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आएगा और लाइफ भी अच्छी होगी। अगर आपकी पॉलीगेट अच्छी नहीं होगी तो आप कितने अच्छा मटेरियल उस पर यूज़ कर लें, क्योंकि इसकी बुनियाद ही आपकी पॉलीगेट होती है, पॉलीगेट सककर आती है, पॉलीगेट कुछ टाइम बाद जो है वो चटक जाती है। अब हमारा बेस वर्क का काम इस पर कंप्लीट हो चुका है, अब इस पर 2K प्राइमर की हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। हम इस पर लापी नहीं भरते हैं अपने काम के अंदर, ऐसे काम के अंदर। तो आपने लापी देखी होगी ग्रे और रेड कलर की होती है, क्योंकि वो भी जो है वो काफ़ी नुकसान देती है वो गाड़ी के आपके पेंट की लाइफ को। वो इस वजह से भरी जाती है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू 2K प्राइमर वो काफ़ी सस्ती होती है, वो एक जो लापी होती है वो 2-3 गाड़ी में यूज़ हो जाती है, और 2K प्राइमर जो है वो एक गाड़ी में ही पूरा 1 लीटर यूज़ नहीं होता। अब इसमें आप देख सकते हैं इसकी सीलिंग यहाँ से ज़रा सा ये रस्टेड था यहाँ से एरिया, तो हमने इसको रस्ट को पैचिंग वर्क करके इसके अंदर सीलिंग डाल के, इसको डोरी कहलाती है यहाँ पर,
वो हमने इसको तरीके से इसको रिपेयर कर दिया गया ताकि इसका जेन्युइन लुक भी आ जाए और इसमें पायदार रही है उसमें भी आप देख सकते हैं सीलिंग लगा दी गई है। अब इसकी बारी है अंदर के इसके मडगार्डों की। नीचे जो मडगार्ड होते हैं काफ़ी अच्छे हालत में थे इसके मडगार्ड, तो हमने उसको एंटी रश कोट करना था तो हमने इसको जो है वो एंटी रश कोट किया। एंटी रश कोट करने के बाद इसको हमने इसका जो अपना पेंट था जो हम बार बॉडी पे कर रहे थे नीचे भी हमने वही पेंट कर दिया ताकि इसका जो लुक जो है वो गाड़ी जब रेडी हो तो नीचे से भी अगर गाड़ी देखे तो उसका लुक बिल्कुल न्यू जैसा है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इसका एंटी रश कोट भी कर दिया गया है और पूरा पूरा पेंट भी कर दिया गया है ताकि इस गाड़ी की लाइफ जो है इससे भी अच्छी हो जाए। लोग ऊपर से तो गाड़ी अच्छी बनवा ले लेकिन नीचे तक ध्यान नहीं देते अक्सर जो है वो ड्राइवर के नीचे से ही गलती है गाड़ी। हम जब पेंट करते हैं गाड़ी को तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम गाड़ी का एक एक पार्ट जो है वो खोल लें और पार्ट्स खोल के उसको पेंट करें ताकि पेंट जो है वो हर जगह पहुंच सके और प्रॉपर तरीके से लग सके। क्योंकि जब हम गाड़ी बंद करके पेंट करते हैं तो आपका हर जगह हाथ नहीं चल सकता ना आपकी गन हर जगह पहुंच सकती है तो हर जगह पेंट नहीं हो पाता। और हमारी कोशिश ये होती है कि कंपनी रिकमेंड करती है कि बोर्ड के ऊपर कलर पर हम उसी मिक्सिंग रेशो से पेंट करें, उससे होता ये है कि आपका रिजल्ट भी अच्छा आता है और आपकी जो लाइफ होती है पेंट की वो काफ़ी बढ़ जाती है। ये हमारा होता ही है कि अच्छे से अच्छा भी आप अगर मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसमें मिक्सिंग रेशियो में जो है वो डंडी मार दी जाती है जिसकी वजह से उसकी क्लियर कोट उस टाइम तो चमक जाता है लेकिन आगे चल के उसकी लाइफ जो है क्लियर कोट की वो कम हो जाती है। क्लियर कोट जल्दी धूप में फेड हो जाता है। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि पैनल खोल के पेंट करने में इसका रिजल्ट काफ़ी जो है वो अच्छा आता है, बाहर से भी और अंदर से ही पेंट हर जगह लग जाता है तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब बारी है इसकी बॉडी शेल की पेंट होने की। आप देख सकते हैं ये इसमें भी हर पार्ट्स खुला हुआ है ताकि हर जगह पेंट प्रॉपर तरीके से लग जाए। अभी इसमें आप देखेंगे जब गाड़ी पेंट हो जाएगी उसके बाद जब हम सारे पार्ट्स इसके ऊपर फिट करेंगे तो वो पार्ट्स कितने खूबसूरत लगेंगे और जो गाड़ी अंदर से पेंट हुई होगी उसकी भी ग्लॉस देखिएगा आप, उसकी भी सफाई देखिएगा कितनी अच्छी लगेगी। इंजन रूम तकरीबन जेन्युइन था, कहीं कहीं से रस्टिंग प्रॉब्लम थी तो रस्टिंग प्रॉब्लम दूर कर गया हमने इसके इंजन रूम को। ओरिजिनल इसके अपने पेंट में पेंट किया ताकि ओरिजिनलिटी इसकी बरकरार रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड इसका आप देख सकते हैं रिपेयर किया गया है, पेंट किया गया है ताकि इसमें न्यू लुक आ सके। अब हम इसमें सैंडिंग का काम करेंगे, सैंडिंग करके इसको कंपाउंड पॉलिश करेंगे ताकि इसका जो लुक है वो दोबारा आ सके। सैंडिंग करने का पर्पस ये होता है कि जो छोटा मोटा डस्ट आता है वो कट हो जाए और जो छोटे मोटे ऑरेंज पील आते हैं वो कम हो जाए। लेकिन हम बिल्कुल उसको कट नहीं करते, होता ये है कि यहाँ पे मोटे पेपर से जो है काफ़ी वो कट कर दिया जाता है जिसकी वजह से ऑरेंज पील जो होते हैं जर्मन गाड़ी में जो जाला आता है वो कट जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है पेंट अच्छे से अच्छा लगे, कम से कम डस्ट आए और इसको हम जो है 2000 और 3000 के पेपर से जो पॉलिशिंग पेपर होते हैं बिल्कुल बारीक होते हैं उससे करके इसको रबिंग कर दें ताकि इसकी शाइनिंग भी बिल्कुल बरकरार रहे और इसका जाला जो कंपनी से आता है वो बरकरार रहे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए इसके फाइनल शॉट्स देखते हैं जो काफ़ी अमेजिंग आए हैं। Took her top off in the Lambo. She gon' get me top up in the Lambo. I just took the top off the Lambo. She down to ride anything. She from Green Bay, say she a cheesehead. Girl down in Miami, she a Heat fan. She ain't running for the face like the weekend. Good head, good brain, she a geek. We don't care who watching, why you peeking.
teacher. She asked if I like that, she teach it. Super villain girl, you bad for no reason. I just took her top off in the Lambo. She gon' get me top up in the Lambo. I just took the top off the Lambo. She gonna ride anything. She said you should feel lucky. Good day, energy, don't touch me. Like a rough, no pads, like rubby. Cute face, but tonight it's getting ugly, yeah. And she don't care who watching, she freaky. Tell you, you gotta see it to believe me. And now you mad at me cause she leaving. Super villain girl, you bad for no reason. I just took her top off in the Lambo. She gon' get me top up in the Lambo. I just took the top off the Lambo. She gonna ride anything. Thank you.